那么。媽媽 नमस्कार आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूजर्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन प्ले स्टोर में जाना प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष और सर्च करें सर्च करने पर आपको ऐप आप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा आप इसे डाउनलोड कर लें क्योंकि मेरे फोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है इसलिए मैं इसे ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन करने पर यहाँ पर ओ प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉग इन करना चाहते हैं ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉग करना है साथ ही अगर आप आईफोन या आई यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है डिजिटल का तो टी नो तो प्रणाम सभी लोगों मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं हरिहर सर कृपया म्यूट रखिए सर आपका आवाज सब रिकॉर्ड हो रहा है मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ आप सबके साथ सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम को बुलाना चाहूंगा शशि तिवारी मैम आपका कोई केस है जो आप बताना चाहती हैं सभी को तो बता सकती हैं डॉक्टर हरिहर सर आप कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं डॉक्टर गीता पटेल मैम कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं डॉक्टर श्रीनिवास सर डॉक्टर सीमा शर्मा मैम कोई केस आप लोगों के दिमाग में है जो आप बताना चाहते हैं जी सर प्रणाम सर जी प्रणाम मैम कोई केस आप बताना चाहती हैं हाँ सर मेरे पास एक केस था एक्चुअल में बच्ची है थोड़ा सा आगे आके बात करिए ना माइक के पास अच्छा आवाज तो आ रही है मैंने कर दिया आप ठीक है सर हाँ जी बताइए मैम हाँ सर तो बच्ची का केस था बच्ची क्या है शी इज अराउंड ईयर ओल्ड तो उसको साल दो साल से प्रॉब्लम है तो कभी कभी बीच में मतलब तो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है हाथ वगैरह एक बार उसकी केस टेकिंग भी मैंने कराई थी फोरम पर क्या क्या बीमारी क्या है उनको बीमारी क्या है उसको सर वैसे तो आमो उसकी फैमिली हिस्ट्री में है और उसके हाथ पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती थी अभी कल वो आई थी तो फिर से उसके राइट आई के ऊपर मतलब टेम्पोरल रीजन में उधर भी थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी तो नॉर्मली जैसे क्या करती है कुछ दिन दवा खाती है जैसे मैंने बोल दिया हफ्ते भर की दवा दे दी वो करीब आएगी दो चार महीने बाद तो रेगुलर तो रहती नहीं है तो फिर लेकिन बार बार आती थी मेरे नोन की है तो मैं फीस वगैरह भी नहीं लेती हूँ तो अभी मैंने फिर उसको मैंने कहा बेटा तू अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज तो थोड़ा सा कुंडली से निकला मतलब मैं वो ये बताना चाहती हूँ कि उसका सिक्स थाउस का प्लैनेट मार्स था और जब मैं उससे पूछती तो वेजिटेरियन थी तो कुछ भी निकलता नहीं था हेतु तू खाने पीने में और हमेशा बोलती थी मैं सारे परहेज करती हूँ तो फिर मुझे लगता था क्या है क्या है फिर कल जब मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा तू लाल मिर्ची खाती है तो फिर हस्बैंड साथ आया था तो वो बोलता है यस मैम जब भी खाना खाने बैठती है तो मतलब तो डेली लाल मिर्च खाना है और एक साल अभी उसकी शादी को हुए हैं तो पता चला कि उसके घर में तो लाल मिर्च थी ही नहीं मतलब ये बहुत ज्यादा लाल मिर्च खाती थी तो उस वजह से उसको पहले शुरुआत में सर मेरे पास आई थी तो उसका टाइप टाइप का टाइप का स्कैंटी पीरियड प्रॉब्लम था तो तो वगैरह चलाई थी थी वो चीजें ठीक हो गई तो अभी क्या है कि थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह उसके फेस पर दिख रहा है और होल बॉडी में तो नहीं नजर आ रहा कहीं पर भी फेस में ऐसे थोड़ा सा पफी टाइप का फेस दिख रहा था तो बीच में हुआ था तो मैं यहाँ नहीं थी तो मैंने उसको बोला था कि सोल्ट बंद कर दो दशमूला रिस्ट ले लो मैंने फोरम पर भी शायद शेयर किया था फिर तुरंत रिलीफ आ गया था गोमूत्र वगैरह तो नहीं दिया था सिंपल सी चीज है तो अभी भी मैंने कल वो तो उसको थेरेपी भी बताई हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन जो नेचुरोपैथिक थेरेपी है बट हेतु की सर मैं बात करे थी तो हेतु का उसका वही है तो ओवर थिंकिंग वाली हेतु है वो भी मुझे उसकी कुंडली से ज्यादा वो चीज़ समझ में आई और वो जो मिर्ची खाती थी तो मैंने कहा बेटा लाल मिर्च किसी भी फॉर्मेट में आप नहीं खाएंगे लाल मिर्च तुरंत छोड़िए फिर उसके बाद अब देखते हैं तो मतलब क्या है कि कई बार पेशेंट के आप बात करो तो ऐसा नहीं समझ में आता लेकिन प्लेनेटरी कॉम्बो देख करके समझ में आ जाता है कि बंदा इस तरह की गलतियां कर रहा होगा सो इस तरह की तकलीफ होती है तो सर उसकी अलग टाइप की है मेरे पास फोटो है मैं आपको भेजूंगी आप देखिएगा तो उसमें फेस के ऊपर थोड़ा सा मतलब आईब्रो के ऊपर में हल्का सा स्वेलिंग टाइप का दिख रहा था तो वहां थोड़ी सी नस भी खींची थी तो सोचती इतनी ज्यादा है कि हमारा ही करा लू ये करा लो हमने कहा नहीं कुछ अभी ये सिंपल चीजें करके देखते हैं अगर उससे रिजल्ट आ जाता तो ठीक है अदरवाइज करा देंगे हमारा ही तो मेनली वही है सर उसका भी अग्नि वगैरह का हेतु है कभी काल को कब्ज रहता है और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस ज्यादा लेती है काम उम ज्यादा करती है हस्बैंड ने भी बोला मतलब की छुट बीमार रहती है तो भी जो, जो ड्यूटी पर जाती है तो हेतु में ज्यादा हेतु नहीं निकले थे जैसे खान पान वो डिनाई करती थी अब कल उससे को देखा मैंने तो पता चल गया कि हाँ क्या चीजें हैं तो मेनली यही था सर और फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री में एक जैसी चीजें होती हैं मतलब स्ट्रेस लेने का वहां तो पर मैंने स्ट्रेस ही हेतु होगा जी सर थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू और कोई अपना केस बताना चाहते हैं पूछना चाहते हैं डॉक्टर भीम भास्कर सर मनीषा मैम कुछ केस आप डिस्कस करना चाहती हैं सक्सेस स्टोरीज है ईयर का जी। उसके पैर के तलवे के मिडल पार्ट में पेन था वो बोलता है कि कभी भी बैठते हैं तो खड़े होते हैं तब पेन होता है और रात को सोते टाइम ज्यादा होता है जी। और सुबह उठते वक्त होता है उसके तुम्हें तो, तो बाइक चलाता है ज्यादा और कुछ खाने में तो नहीं मिला एक सुबह पानी ज्यादा पीता है।, अब चलाते है तो किक मारते हैं। हाँ, बटन वाला है हाँ, 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 वो पार्ट सर तो मतलब किक वाला उनका बाइक है कि बटन वाला बाइक है।, हाँ, है अच्छा तो वो, उसके वजह से ही वाद का प्रकोप हो रहा है वहां पे तो आपने क्या ट्रीटमेंट क्या दिया वो दीपन पाचन अनुलोमन दिया और महाभारत विद्वंस रस दिया योगराज गुगल दिया जी और आप वहाँ स्नेहन करने के लिए भी कुछ दीजिए ना नाक वहाँ उसको मालिश के लिए बोला क्या पादा के लिए बोला उसको क्या दवाई से हाँ वो तो शिव बला की दिया मैंने पादा भंग से जी आप महानारायण तेल लहसुन का तेल ये सब दे सकते हैं अच्छा वो ठंडी का मौसम है ना तो लहसुन को गर्म कर दे महानारायण तेल में और ब्राउनिश हो जाए तो उससे जल्द करे तो, हाँ, तो मूरीवर तेल हैदी है वो अच्छा काम तो तो भी है जी ठीक है मैम थैंक यू मैम फिर हमें बताइएगा रिजल्ट ओके मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहती है जी जी सर एक पेशेंट है मेल पेशेंट है थर्टी वन ईयर सर उसको पहले तो कंप्लेन वो लोग लेकर के आए कि पाइल्स है और आ, पेन हो रहा है बैठ नहीं पा रहे हैं मूव नहीं हो पा रहा है बट जब मैं एग्जामिन की तो उसको जो टेलबोन है उस पोर्शन पे उसको वोंड था वोंड है सर अभी जी, और बहुत पेन है वो बैठ भी नहीं पा रहा उठ भी नहीं पा रहा कर उसको अपने भाई की शादी में जाना है तो इतना इमीडिएटली मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा वुंड है तो आप वहां सूक्ष्मद्रत वो, वो अभी मैं जैसे देखी अभी शाम को छूने नहीं दे रहा था सुबह तो बहुत मुश्किल से उसको अ गशांगले और ये सब लगा करके शुद्धत्व वगैरह थोड़ा सा ये तो आज अभी शाम को आया फिर उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए तो देखी तो वो बिल्कुल पिटिका जो है वो अभी भी हार्ड है और पकने की कंडीशन पे नहीं है अभी तो अभी पेन के लिए क्या दू जिससे कि वो बैठ सके जा सके पे, आपको पेन के लिए चाहिए हाँ वो बैठ सके वो वहाँ पे ऐसे पोर्शन पे है कि वो बैठ ही नहीं पा रहा सब जितना भी है वो पुलटिस भी दी उसको भी की आ, आ, इसके लिए बचा के साथ में गढ़ मिला करके औषधियों को इसको लेप भी करके और थोड़ा स्टीम भी की तो थोड़ा मोशन वोशन जाने लायक हो गया बट वो कैसे तीन चार सौ किलोमीटर कैसे चल पाएगा? तो मैंने कहा देख लो मैं, अभी अभी... मैं दे ना को -गर कर उसको पूरा करवाई हूँ मैं और वो उसको घर में भी दे दिया करने के लिए तब वो कल सो पाया है और आज दोपहर में थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिल पाया है सर बाकी जब तक वो पक के निकलेगा नहीं तब तक तो तो पके... आप चाहती हैं कि पका दें तो एक फॉर्मूला है आपने ना जो मेथी का बीज होता है ना मेथी का बीज को पूरा कूट देना है पानी में थोड़ा डाल के कूट कूट के थोड़ा हल्दी डाल के और उसका गाढ़ा घड़ा लेप लगा दीजिए उधर वो ना चौबीस घंटे में पक जाता है पूरा क्योंकि मेथी गर्म होता है ना पक जाता है पकने के बाद वो फूट जाएगा और खुद निकल जाएगा उसका जड़ के समय उसको कैंसिल कर दे रही हूँ सर मैंने उसको मसूर की दाल का बोला है आलसी ओ, का भी चलेगा ना आलसी आतसी वो भी चलेगा लेकिन मतलब मेरा अनुभव है कि मेथी से जल्दी होता है अभी आतसी भी चलता है गरम दवाइयों का ऐसा करना चाहिए चौबीस घंटे में वो पक के फूट जाता है इतना बढ़िया दवाई है ये मेथी और हरिद्रा मिला था उसमें हाँ और कूट के गाढ़ा गाढ़ा मिक्स करके एकदम चिपका चिपका गोंद जैसा होता है उसको लगा के रख रखे और चौबीस घंटे में पक जाएगा पूरा पक जाएगा फिर प्रेस करेंगे तो पुल पुल हो जाएगा वो सारा निकल जाएगा मेथी भिगा के पीसेंगे ना कि डायरेक्ट थोड़ा सा ही पानी कम गाढ़ा गाड़ा कल्क जैसा जी जी जी, जी. वो सूख के चिपक जाएगा चिपक जाएगा तो वो निकलेगा नहीं नेक्स्ट डे निकालना है तो उसको तो पानी से ही निकालना पड़ता है गर्म पानी से तो सर उसके बीच में थोड़ा सा होल करेंगे या पूरा ऐसे ही लगा पूरा लगा देना है पूरा मेरे पास एक पेशेंट थे अभी देहरादून के तो उनका लिम्फ नोड में था वो पक ही नहीं रहा था मैंने उनके यही किया पूरा पक पु के फट के पूरा निकल गया पूरा पस निकल गया फिर हील हो गया हाँ जी सर मैं वो फट जाएगा तो तो हील तो हील तुरंत हो जाएगा उसको आराम भी मिल जाएगा बैठ के जा भी सकता है मैं अभी करवाती हूँ और गीता मैम जो बोल रहे हैं अतसी वो भी अच्छा है लेकिन वो तो 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 प्याज का रस डालते हैं उसमें हाँ प्याज का रस हाँ ये भी मैंने पढ़ा है ये भी योग किया है इसका भी रिजल्ट है लेकिन थोड़ा सा स्लो आता है ये तीन दिन में करता है मेथी वाला फास्ट करता है चौबीस घंटे में हाँ सर मैं तो मसूर दाल का ही करती हूँ तो वो भी जैसे महिलाओं तो और थोड़ा टाइम लगेगा वो सात आठ दिन लगा देगा नहीं सर दो दिन में महिलाओं को जो से में होता है तो हाँ। उसके लिए वो फट जाता है वो जी और इसको अभी मैं करवा दे रही हूँ सर आप कराइए और बताइएगा रिजल्ट जी सर जी और अतसी जी। मसूर दाल ये सब तो बोला है पुलटिक्स कल्पना में इसलिए तो आचार्यों ने बोला है सरसों का बीज ये सब बोला है जी 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 आप बताइएगा मैम हाँ जी सर हाँ जी सर थैंक यू गीता मैम आपने बहुत अच्छा बताया प्याज का रस और अतसी इस इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं क्योंकि वो वो जब तक तक पकेगा नहीं नहीं तब तक उसका पेन कम नहीं होगा परमानेंट किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज ऐसे शर्माइए मत आप लोग कोई और केस हाँ डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी हाँ, सर शशि मैम बोलिए आप लोग हाँ सकते हैं जी पकाने के लिए जो हम बात कर रहे थे अभी हेलो हाँ सर बोलिए आवाज आ रही है सर जी जी अभी जो पकाने के लिए हम बात कर रहे थे अतसी का जी उसमें अतिसी के साथ अगर हम थोड़ा सा गेहूं का आटा और हल्दी मिला लेते हैं प्याज के रस के साथ जी तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है लेकिन इन सबसे बेहतर पकाने में जिसमें बिल्कुल भी दाह नहीं होता तकलीफ नहीं होती पेशेंट को पता नहीं लगता और 24 घंटे में काम हो जाता है वो है तुख्म बालंगा बालंगा के बीज जैसे हम पानी में डालते हैं उनका अपने आप से पेस्ट बन जाता में है में बताइए ना हिंदी संस्कृत तो ये क्या होता है एग्जैक्टली exactly. ये ये बताना मुझे भी थोड़ा मुश्किल है मुझे, मुझे द्रविगुण देखना पड़ेगा मैं तुख्म रेहा तो बता सकता हूँ कि वो काली तुलसी के बीज है अच्छा। बालंगा एग्जैक्टली exactly क्या है मैं थोड़ा सा देखूंगा क्योंकि हमारे यहाँ बालंगा मिलता है मैंने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की एक बार जान लेते हैं तो तुख बालंगा मैं अभी दस मिनट में आज तो नहीं बता पाऊंगा थोड़ा सा बाहर हूं मैं कल बताता हूं लेकिन सर रिमार्केबल चीज है तुखुम बालंगा का हम सिर्फ पानी में डालें तो उसका उसी तरीके से एक लेप बन जाता है आप उस लेप को कर दीजिए पेशेंट चैन से सो जाएगा उसे जो भी पसफॉर्म हुआ है उसे जो भी दर्द हो रहा है जो भी पेन हो रहा है पंद्रह मिनट में शांति हो जाती है और सुबह तक फूट जाता है बाकी सबसे दाह होता है लेकिन तुख माल मैं देखता हूं सर आप भी देखें बालंगा ये दे, है हाँ जी आपने अच्छा बताया लेकिन वो मेथी से नहीं जलन होता है मेरा ऐसा अनुभव है नहीं मेथी का मेरा अनुभव नहीं है मेथी से नहीं होता जलन नहीं होता है लेकिन बालंगा मैंने जितने लोगों को लगवाया हमारे यहाँ बहुत होता है मिलता है जो हमारे यहाँ सप्लाई देते हैं उन लोगों को अब तो बालंगा को मैंने फिर जानने की भी कोशिश नहीं की वो उनका वैद्य दलजी राय की मेटेरिया मेडिका दिखनी पड़ेगी तभी पता लगेगा वो मेरे बाबा की कई रखी है तो मैं कल तक बता सकता हूँ आपको जी सर जरूर बालंगा को हम इसमें क्या कहते हैं और वो लगाते ही सब पंद्रह मिनट में वो पेशेंट कहता है सब मुझे बहुत चैन पड़ गया वो कहता है आग पे पानी पड़ गया इस तरीके से पेशेंट क्या था वो भी अच्छा है जी 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 हाँ। मैं कल के का देख के बताता सर जी सर और शशि मैम क्या बोल रही थी आप शशि तिवारी मैम कुछ बोलने वाली थी आप हाँ जी, सर, हाँ जी सर जी सर नमस्ते सर मैं ये बता रही थी सर जैसे रोटी बनाते हैं ना मोटी रोटी बना ली एक टाइम पकाया और एक तरफ नहीं पकाया और फिर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल हल्दी लगा करके उसी जिस साइड वो नहीं पकी है उस साइड लगा दीजिए उससे भी हो जाता है सर बहुत जल्दी पक जाता है हाँ। में में वो सर सर मैम मेरे मेरे को उसको घंटे आराम देना है है और अभी घंटा पहले आया है। मेरे वो इस को नहीं रहा होता था तो यूज करते थे आप करके देखो अच्छे रिजल्ट ठीक है, है और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए अभी तो मैं आप मेथी वाला कहते हैं सुबह तक देखेंगे पक जाएगा मेथी इतना गर्म होता है ना इतना गर्म होता है अभी ये रोटी वाला तो है वो गर्म तो होगा नहीं रात को ठंडा हो जाएगा वो प्रेशर देता है, actually, दूसरे तरफ बांधते हैं तो है। मेथी बनेंगे तो मेथी खुद गर्म है कुछ पेन नहीं होगा कुछ नहीं होगा रात भर में पक के सुबह निकल जाएगा मेथी को भूनना है कच्चा कच्चा मेथी को कूटना है और थोड़ा सा पानी डालना है गाढ़ा घड़ा कल्क लगाना है हल्दी डाल के गाढ़ा घड़ा कल्क वो फैल फैलना नहीं चाहिए गाढ़ा घड़ा एकदम तो होना चाहिए और लगा देंगे तो एक घंटे में सूख जाएगा और चिपक जाएगा फिर सारा बाउंड्री को ऐसे निचोड़ के खींचता है और गर्मी से पका देता है और पकाने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन आप पानी डाले पानी गर्म पानी से फिर वो निकाल सकते हैं नहीं तो वो चिपक जाता है बहुत ज्यादा हार्ड चिपकता है और फिर देखेंगे तो पक जाता है अगर रहे भी सपोज तीन चार दिन रहे भी सात दिन रहे भी पेन कम हो जाएगा और फिर वो पकने के बाद खुद ही वो पुल पुल व्हाइट व्हाइट हो जाता है प्रेस करेंगे तो सारा अंदर से रूट से सब निकल जाता है और उसके बाद अपने आप हील कर देता है बॉडी ऐसा अनुभव है अगर वो रात भर रहे और कल दिन भर भी रहे और कहीं ट्रेवलिंग भी कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगा इतना गारंटी है पेन कम हो जाएगा हाँ आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं आप आ, नहीं सर ये किस चीज को पकाना चाहते हैं सर ये वो ऐसे जगह पे है प्राइवेट पार्ट में जो पेन कर रहा है बहुत ज्यादा अच्छा 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 तो में वो? सर इसमें पे, खैरवा प्रबल पेन कम करके उनको ट्रैवल करना है चारे अच्छा 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 ओके 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 और किसी को कुछ बोलना है मैं तो इसलिए ये बताया कि उनको ट्रेवल करना है ना तो उनको पेन ना हो अगर वो चिपके भी रहेगा ना पेशेंट सुबह तक बोलेंगे कि हमें अच्छा लग रहा है जी और प्रीति मैम कुछ बोलना चाहती थी आप डॉक्टर प्रीति मैम सर प्रणाम सर जी बोलिए मैम प्रणाम सर प्रणाम मैम बोलिए आपको क्या सर, बोलना मैं है मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहती चाह रही थी जरूर आपके सामने इतने सारे सर, जरूर बताएंगे। सर, सर वो जो मैंने कल केस डिस्कस किया था एलोपेशिया वाला हाँ. उसमें सर मुझे पूछना था कि उस लड़की की 17 है, तो कर सकते हैं। वो थोड़ा सा तैयार नहीं हो रही प्रच्छ करवाने के लिए ना आप मेरे पास मैम से बात करते करते प्रच्छ कर दूंगा बात करते करते उनसे मैं तो कैटरीना मैं... और विक्की कौशल का बात करूंगा और बोलूंगा उधर देखो और पहचान पांच मिनट में कर दूंगा अच्छा ठीक है इसमें और किसी को कुछ बताना है क्या प्रच्छान कैसे करें डॉक्टर श्रीकांत सर आप बताइए ना एलोपेशिया वाले केस में सर आप गाइड करिए जी सर नहीं प्रच्छान के लिए वो सबसे सबसे आसान प्रोसेस है एक बार ये उसे कॉन्फिडेंस में लेके उसका विश्वास जीत के और उसे ये समझाएं कि इसमें बिल्कुल पेन नहीं होगा ये अपने साथ भी करके दिखा सकते हैं इसे जो जो ये कल जिस प्रोसेस को बात हुई थी ये अपने साथ करके दिखा सकते हैं बहुत बार डिमोन्स्ट्रेशन वो द बेस्ट टीचर डिमोन्स्ट्रेट ये जो कहानी कही जाती है जो कहावत कही जाती है अगर नहीं होता तो आप अपने साथ से आपके साथ जो परिचारक है उसके साथ से आप करके दिखा सकते हैं कि इससे कोई पेन नहीं होता कोई तकलीफ नहीं होती कोई दिक्कत नहीं होती और इस तरीके से उसका आत्मबल बढ़ाया जा सकता है उसका आत्मविश्वास जीता जा सकता है और आगे कर सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट मार्ग के लिए तो आप इसका ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते हाँ सर वही मुझे ऐसा लगता है और सर मैं एक चीज और कहना चाहती थी कि जैसे उसमें कल बताए थे कि जयपाल का उसके बाद लेप लगाएं तो जयपाल तो मुझे वैसे मिल नहीं पाएगा तो क्या मैं इच्छा भेदी रस का कर सकती हूँ ले नहीं नहीं फिर तो वो तो फॉर्मुलेशन ही अलग हो लेकिन जयपाल तक जाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी कल कल किस किस चीज पे बात हुई थी हमारी कल ये सर आपने तो ऑयल बताया था सिद्ध करने के लिए जी तो उस ऑयल का भी मुझे क्या के कहते हैं वो कनेर मिल नहीं पा रहा अभी मैंने कहीं से अरेंज करने की सोची अगर मिल गया वहां से तो लेकिन थोड़ा मुश्किल ही है कि मुझे कनेर का वो मिल पाएगा जयपाल आपको मिल रहा है नहीं सर भी नहीं मिल पा रहा है मुझे गुंजा गुंजा भी नहीं मिल रहा है गुंजा मिल रही है सर मुझे ना रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं मिल पाएगा यहाँ पे ओके फिर मैं आपको कैसे बताऊं फिर मैं मेहंगा ऑयल बेचता हूं सॉरी रिजल्ट आता है लोग करते हैं यूज इच्छा भी नहीं भी लगा सर मैं चाहती थी कोई वैसी अगर प्रिपरेशन मिलती तो उसको ट्राई करती मैं केवल आप प्रचान भी करेंगे तो उससे भी फायदा होता है मैम उससे भी हो जाएगा आ, सर, सर्थ सर्थ तो सर श्री हाँ श्रीनिवास सर बोलना चाहते हैं डॉक्टर श्रीनिवास सर हाँ बोलिए हेलो सर उसे एलोपेशिया में वो नवासा कर रहे थे ना सर हेलो नवासा मतलब क्या नवासागर नवसागर 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 हाँ। एक पार्ट जी गाय का घी जी हेलो हाँ, सर, हाँ सर। ये, ये नवासागर गाय का घी में कूट की लेप जे अच्छा मिला ना सर वो जो मिला ये लेप को जहाँ पर वो एलोपेसिया हो गए ना सर वहां पर नीम नीम रहते ना सर नींबू 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 से नहीं तो आंवला का आ, पानी से अच्छा दो कि ये लेप लगाना सर जी जी लेप लगाए तो एक पंद्रह बीस दिन में बाल आ जाएंगे सर वहाँ पर नींबू से या फिर तो आंवला के पानी थे? से पानी से दोनों साइडो ग्रुप में डाल दीजिए नौ सागर वन पार्ट लेना है और सिक्सटीन पार्ट नौ सागर क्या हो नौ सागर कहा मिलेगा मिल जाए नमक ने ने? नमक अमोनियम क्लोराइड अमोनियम अमोनियम क्लोराइड यस ये के साथ मिक्स करके लगाना है और पहले नींबू का पानी के साथ या आंवला के रस से क्लीन करना है और फिर वो लगा देते हैं क्लीन करके ये लगाए तो अच्छा बीस दिन में बाल आ जाता सर वहाँ पर तो सोलह गुणा उसमें घी घी लगाना गा। है जी जी हाँ सर घी को सर घी को उस नवसागर में जो सागर में उसको क्या करना है उसको ढूंढना है या ऐसे एज इट लगाएंगे सर मिक्स करना है सर तो, 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 तो मिला के थोड़ा हीट करे तो उसमें तो मिल जाता जी जी सर सोनार के पास मिलता है सुवर्णाकार रहते हैं ना तो पास जो दागिने बनाते हैं या अलंकार उनके पास नवसर आप, आपको अमोनियम क्लोराइड कहीं भी आसानी से मिल जाएगा आप बिडलमर करके बिड़लमर करके भी उसको ले सकते हैं और उसके अगर मैक्सिमम रिजल्ट आपको लेना है तो उसको दुगने पानी में घोल के और पीतल की कढ़ाई में छान तब तक चलाते हुए हिलाते रहें जब तक कि सारा पानी सूख ना जाए ये शुद्ध करके आप कफ निस्सारक है ये बहुत अच्छा जहां भी कफ है हमारे रेस्पिरेटरी अमोनियम नाम का सिरप आता था, वो अमोनियम क्लोराइड बेस्ड ही था किसका था पार्क डेविस का था किसी का था बेनेडिल में अपने बहुत यंग एज की किशोरावस्था की बात बता रहा हूं तो ये कफ निस्सारक भी है और कफ गत जो व्याधियां हैं जिनमें यह भी है एलोपेशिया क्योंकि कफ ही रोमानो रोम को जो कल हम बात कर रहे थे मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहता कफ ने ही उसको रास्ता को रोका हुआ है तो कफ को वहां से हटाने के लिए उन्होंने बिल्कुल सही बताया एक और एसिडिक मीडियम चाहिए जिसके लिए उन्होंने नींबू की बात की है उस नींबू को हटाने के बाद अगर आप नवसार को इस तरीके से शुद्ध करके इस्तेमाल करते हैं तो वो और इफेक्टिव हो जाता है लोकल एप्लीकेशन में तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसको शुद्ध करने का यही तरीका है तो उसका प्योरिफिकेशन करने के बाद अगर हम यूज करते हैं तो और इफेक्टिव रहेगा ये कर सकते हैं इजीली मिल जाए प्योरिफिकेशन और सर जी सर उसे ना अपने से चार गुने दो गुने वैसा दो गुने जल में मैं घोलता हूं दो गुने जल में घोल के कपड़े में से पीतल की कढ़ाई में छान लें जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर रह जाएगी और उसके बाद धीमे धीमे चलाते रहें और चलाने के बाद सारा पानी सूख जाए सूखने के बाद उसे निकालें छाया में सुखाएं और बोतल में भरके रख लें अच्छा उसे है? की कढ़ाई कढ़ाई वे हमारे पास तो है और किसी के पास ना हो तो ऑप्शन किसमें पीतल की कढ़ाई से पीतल की कढ़ाई थोड़ा सा ठीक रहेगा पीतल की कढ़ाई के साथ नवसादर को क्यों मिला रहे हैं क्योंकि पी, पीतल भी तीन चीजों से मिलके बनने वाली चीज है शायद शास्त्र में इसीलिए जो हमारे महर्षियों ने रखा है उसका शायद इसी वजह से रहा होगा इसी वजह से इसका काम रहा होगा तो उन्होंने पीतल की कड़ाई ही लिखा है इसके लिए इसमें और एक है सर एलोपैसिया में सल्फुर सल्फेट रहता है ना सर माइल तो बोलते तो तम बोलते हैं नहीं वो वो तो है, तो है कॉपर सल्फेट इसके भी भी पानी में ये भी लगा सकते सर लेकिन वो थोड़ा आधा घंटा का बाद वो धो लेना पड़ते जहाँ पर वो लेप लगाया ना एक जी, पानी में गुलाकी कॉपर सल्फेट को वो मुझे लगता है। जी जी वो लगाने के बाद हम एक पंद्रह मिनट के बाद वो धो लेना सर पानी से नहीं तो वहां पर उन्ड, उन्ड, उन्ड होने का चांसेस रहता एग्जैक्टली एग्जैक्टली असल में पीतल में सिक्सटी सिक्स परसेंट यानी दो बटा तीन तावा होता है और थर्टी थ्री परसेंट इसमें जिंक होता है ये शद होता है पीतल का पीतल की कढ़ाई का जो प्रोविजन रखा गया है पीतल की कढ़ाई का जो सम्मति दी गई है वो शायद इसीलिए दी गई है अच्छा जी, क्लोरीन जी सर मैं मे, क्लोरीन की तर... के किसी भी पदार्थ को जी क्लोरीन किसी भी पदार्थ को अगर हम तांबा और जिंक से रिलेटेड या मिलके जो भी चीज बनी है उसके संयुक्त से काम कराते हैं तो उसके गुणधर्म काफी बढ़ जाते हैं अच्छा। इसीलिए पीतल की कढ़ाई में छान के बनाने के लिए जो शास्त्र ने सम्मति दी है वो शायद इसीलिए जी 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 सर और एक क्वेश्चन है सर मेरा मेरा आ, खुनक में वो फंगल इन्फेक्शन से पूरा नेल्स ये हो गए सर उसके लिए कुछ कोई बता सकते क्या ट्रीटमेंट है ना सोहागा सोहागा टंकन टंकन सुहागा टंकन जिसे बोलते हैं तो उससे रिजल्ट नया है जी मैं यूज करिए आपने टंकन को टंकन और नींबू का रस में मिला के लेप लगाने को बताया लगाया कैसे था आपने ये ये वो बन जा रहे नींबू का ये डालने का बाद गट बन रहे लेप नहीं हो हाँ, वो, नहीं वो अप्लाई कैसे किया था आपने डायरेक्ट वो नेल का ऊपर लगाने को बताया सर मैं जी नहीं उससे बात नहीं बनेगी जी जो नेल बेड है उस पर आपको प्रक्षण करना पड़ेगा अच्छा अकेले बात नहीं बनेगी न आपको प्रच्छान करना पड़ेगा शास्त्र ने एक श्लोक दिया है चांस मुझे याद नहीं अभी वो कहता है कि पत्थर पानी पर तैरना संभव हो सकता है लेकिन सुहागा प्रच्छान के बाद ओनिकोमाइकोसिस में यानी ये जो आपको ना कह रहे हैं मैं लगाने के बाद लाभ ना करें ये नहीं हो सकता मैं ये तो मान सकता हूं कि आप ये कहें कि पत्थर पानी पे तैर रहा है ये मैं मान सकता हूं लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इस दवा ने उन्हीं को माइकोसिस में काम नहीं किया ऐसा एक श्लोक भी है शास्त्र में और फिर भी इसके जो बेस्ट रिजल्ट लेने हैं जो मैं मैंने अपने अनुभव से किया है प्रहन मरचादी तेल में भी मिलाकर आप लगा सकते हैं और ऐसी बढ़ जाती है इसकी सिर्फ पानी में लगा के आप ब्रह्म तेल में लेकिन करना वही पड़ेगा आपको प्रच्छन वहां भी करना पड़ेगा नील वेट पे और अच्छा। उसे करने के बाद आप इसे लगाइए और एक हफ्ते बाद कुछ सप्लीमेंट्स ही दे सकते हैं साथ में कुनक के लिए आप कुछ भी साथ में और दे सकते हैं ब्रह्म तेल के साथ पेस्ट बना सकते हैं इसका ये मेरा अपना अनुभव है आप लगा के देखिए पंच गूगल साथ में खुलिए मरीचा तेल में हाँ ब्रह्म मर्चादी तेल में टंकर को ना। टंकर ना। की भस्म नहीं बनाएंगे टंकड़ की भस्म नहीं लेंगे आपको उसका ऑक्साइड भी चाहिए टंकड़ का अच्छा टंकड़ अच्छा ही, ही चाहिए अच्छा टंकड़ ही चाहिए और टंकड़ का भी आपको फूला बनाना पड़ेगा फूला इन से जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं मकई का उसी तरीके से टंकड़ को लाकर और टंकड़ भी कई ग्रेड का आता है तो जो चौकी या सुहागा बोलते हैं हमारे यहां से टंकड़ के बाद जो मेडिसिन यूज में लिया जाता है सॉरी में भूज लेना है सर तवा में सर तवे पे डालेंगे वो खुद भुन जाएगा और भुनने के बाद उसे बारीक करके आप रख लीजिए बोरी कर मरीचाट तेल में मिलाना ब्रह्म दी तेल में मिला के आप लगाइए फिर उसके साथ साथ ना अनक अगर कुनक का क्रॉनिक और जीर्ण मरीज है तो हमें कुछ ओरल मेडिकेशन भी करना पड़ेगा वो थोड़ा सा सिम्टोमेटिक हो सकता है वो एक बार आप देख लें कि हमें इसे महामंजिष्ठा महामंजिष्टादी क्वाथ देना है सर्वाध्या सब देना है या तो खतरा रिस्ट देना है या तो पंचत घूगल देनी है बहुत सारी कंपोजिशन है वो कुछ भी दिया जा सकता है वो थोड़ा सा लाक्षणिक है तो उस एक बार उसे देखने के बाद वो भी किया जा सकता है नींबू और तेल और तेल भी नहीं नींबू सोरस नहीं है ना 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 नींबू स्वरस नहीं है या तो पानी में मिला के लगाना है और अगर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर आपको ब्रेन मरीचादी तेल में हल्का सा प्रच्छन करके जरा डील डील से इधर उधर प्रिक करके और उसके बाद आप लगाए मैंने तो बड़े सारे रिजल्ट लिए सुहागा ही इसकी दवा है लेकिन अकेली ही दवा है वही सफिशियंट है टंकड़ ही सफिशियंट है लेकिन अगर बात नहीं बन रही है तो ये मेरी अपनी तरफ से एक तरीका था उसे यूज कर रहेगा जैसे दो चार पांच परसेंट लोगों को लाभ नहीं हुआ तो जब इस तरीके से क्या मैं खुद बनाता हूँ ब्रहण मच्छा तेल तो वो उस उसमें लगाने के बाद उसमें भी कई सारी चीजें हड़ताल है मेन्सिल है दुनिया भर की चीजें उसमें तो उसे लगाने के बाद जब करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं साथ ही है। साथ अब उसे डेफिशिएंसी है तो आपको सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे उसमें देखना पड़ेगा कि इसे सप्लीमेंट्स क्या क्या देने हैं अकेले हम इसी पर करते रहें, इसी पर जोर लगाते रहेंगे सारा और पता लगा कि उससे तो न्यूट्रिशन की बड़ी सारी दिक्कतें तो वो ठीक करना पड़ेगा अगर न्यूट्रिशन के लिए हमें कुछ देना है उसे से लेकर मंडूर तक जो भी देना है चंद्रप्रभा से लेके और आ, आ, त्रिलोक चिंता रस तक क्या सोनाम लिए जा सकते हैं तो उसका न्यूट्रिशन के लिए देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये मेडिकेशन भी किया जा सकता है तभी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे जी ओके थैंक यू सर सर जो प्रक्षान बताया था प्रक्षान करने के कितने समय पश्चात वो लेप का अप्लाई करना है <coughs> जी, में, में, है श्रीकांत सर जी मैम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे मैम मैंने ना अभी एक रील भेजी है हेलो मैम हमने ग्रुप में मैंने रील भेजी है जरा उसका रिजल्ट देखना ये श्रीकांत सर के फॉर्मूले का रिजल्ट है सर मैं कोई... प्रक्षान सर मैं एलोपेशियम प्रक्षान के पश्चात पूछ रही हूँ कि कितनी देर बाद वो करना है जब ऊज होगा ब्लड उसके पश्चात तुरंत ही तुरंत ही बताया सर ने।, ने अगर आप उसके साथ थोड़ी देर जलोका लगाते हैं और उसके बाद करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अब बहुत सारे लोग जलोका <laughs> नहीं लगाने देते हैं जलोका वाला वो रील भेज देने जो जलोका से हमने वहाँ काम किए दिल्ली में बहुत सारे आपके यहाँ पे अगर कुछ हो आपके साथ है सर भे, 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 मैं जलोका तो लगाती हूँ मैं हाँ है किया पच्छा पच्छा जाता है सर उसके हाँ, पश्चात सर जलौका लगवाती हूँ लेकिन उसके पश्चात मैं सर केवल जाते हुआ हल्दी छिड़कवा देती हूँ बाकी कुछ नहीं करती इसलिए तो मैं जानना चाह रही थी कितनी देर बाद ये, वो 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 डिफरेंट चीज हो गई वो डिफरेंट तरीका हो गया वो हम किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ आपको वो रोम कूप जो है जो हेयर फॉलिकल्स है होर बल्ब है वहाँ से सारे आवरण को हटा कर जो आवृत्ति बन गई है उस सारे आवरण को हटाने के बाद काम करना इसलिए वो वाला तेल बहुत जरूरी था जो मैं कल बात कर रहा था अगर वो संभव हो जाए तो ठीक है और अगर नहीं है तो नहीं। आ, मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोलना चाहता मैं एक बहुत अच्छा हेयर ऑयल भी बनाता हूँ अगर अनुमति सिस्टम अनुमति अदरवाइज में नहीं उस मैं अपने किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करना चाहता इस मंच पे सर आप खान सर आप प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल जी सर जी हम लोग तो हम लोग तो सर बनाते नहीं है कुछ ऐसा तो यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं हो पाता अगर हो जाए तो बहुत सही रहेगा हाँ नहीं वही वजह है वो बनाने का है इंफ्रास्ट्रक्चर ही है और मेरे पास ना कई जनरेशन के ट्रेडिशनल लोग हैं जैसे मुझे किसी से कहना होता है कि मुझे भांगरा चाहिए पीले पीले फूल वाला सफेद फूल वाला तो उन्हें पता होता है कहाँ से लाना है क्योंकि हम कई पीढ़ियों से कर रहे हैं तो उन सबको पता है कौन सी चीज कहाँ से मैं गाँव में रहता हूँ मेरे चारों तरफ नदियां हैं और नहरें हैं सर, तो बहुत सर, सारी ऑयल के लिए मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी नहीं मुझे लगता है मन से हम ये बात नहीं करेंगे जी जी सर मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा मेरे से लगता है यहाँ से ये बात करना सर एक्चुअली जो पेशेंट है वो सात आठ साल से सर परेशान है और जी हर तरह की सर वो थेरेपी मतलब वो लाखों रुपए खर्च कर चुकी है वो लास्ट वो ये बोल रही कि मैं सिर्फ यही ट्राई कर रही हूँ और ये बहुत छोटी तो सी जगह है यहाँ पर आयुर्वेद आसपास बहुत ज्यादा नहीं है तो इसलिए सर बाकी और कोई बात नहीं है नहीं हमारे पास अभी फैशन इंडस्ट्री के दो लोग रहे हैं फैशन टीवी इंडस्ट्री के दो लोग रहे हैं जिनका हमने किया है बत्र सर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सब जी पे होता है मेरे पे कोई एविडेंस नहीं होता वो हमारे हमारे जो कोषागार हैं हमारे जो वरुण हैं हमारे जो क्या कहते हैं कोष के अध्यक्ष हैं वो बत्रा जी हैं तो वो सारे चित्र उन्हीं के पास हैं वो बेच सकते हैं आपको जीविंद जी नहीं। नहीं सर।, नहीं सर।, नहीं सर।, नहीं सर जी सर 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 बताइए थोड़ा थोड़ा सा इनको परमिशन दो ना भृंगराज पे बोल दें सर सर पे दीजिए और प्रोडक्ट का मत बोलिए सर, तो, सर मैं समझ गया। नहीं तो नवीन सर देंगे नहीं 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 मैं इसको नहीं करना

बस आप प्रोडक्ट अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते तो नहीं तो फिर कंचन मैम बोलेंगे मैं भी करूंगी अनुरता मैम बोलेंगे मैं भी करूंगी नहीं भी करूंगी। नहीं वो तो मेरा कतई उद्देश्य भी नहीं है ना नहीं यहां नहीं। हो जाएगा तो फिर सर को ये बात पसंद नहीं है मेरे को कुछ नहीं, नहीं, नहीं है जिन्होंने बनाया आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म उनको पसंद है ये प्रोटोकॉल है सर मुझे ये सब पता ना होती हुई मैं खुद ही से ये कह रहा हूँ कि मेरा ये कतई उद्देश्य नहीं है ना हमें से कोई इसे करना चाहता कर कुछ ना कुछ उनका मेडिसिन है तो सब लोग बात करेंगे आसा। तो ये फिर मार्केटिंग वाला ही प्लेटफॉर्म बन जाएक्टली एग्जैक्टली 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 सभी के पास है सभी के पास है जी बिल्कुल तो सर भ्रंगराज पे फिर आगे बात कर लेंगे किसी और दिन बात कर लेंगे जी। अभी तो बाकी की और बहुत सारे लोग हैं उनके अनुभव शेयर कर लें वो सुन लेते हैं कल बात कर लेंगे भ्रंगराज हाँ जी, जरूर सर एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ की प्रचान कितने कितने डेज में कर सकते हैं जी सर बताइए सर श्रीकांत त्रिवेदी सर ठीक है।, है सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू और डॉक्टर प्रज्ञा डोड़े मैम आप कोई केस बताना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? बस सभी से रिक्वेस्ट है अपना प्रोडक्ट के बारे में ना बताएं. आप ट्रीटमेंट बताइए सब चीज अभी सर अभी तो केस नहीं है मैं क्लिनिक में हूँ तो मैं सुन रही हूँ आपका सब आपको कैसा हुँ? लग रहा है प्लेटफॉर्म मैम बहुत बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया इतना भरा हुआ है सब नॉलेज से और बहुत रिवाइज हो रही रही है चीजें जो कि कितने हम भूल भी जाते हैं प्रैक्टिस में तो बहुत, बहुत ही बढ़िया आपका कोटी कोटी धन्यवाद सर आपने मुझे इसमें सही में ये ऐड ऐड किया इसके लिए तो जब भी दो तीन दिन में टाइम मिलेगा ना मैं अच्छा सा केस प्रेजेंट कर दूंगी जो क्लिनिक में होता है मेरा ठीक है डॉक्टर कंचन मैम आप कोई केस बताना चाहेंगी आदित्य सर मंगला मैम कोई केस बताइए गंगवार सर सक्सेस स्टोरीज भी बता सकते हैं पूछ भी सकते हैं हरिहर सर कुछ केस बताइए हाँ सर बताइए सर अभी एक घंटे से पहले एक बुजुर्ग आए थे अस्सी साल के थे जी सर तो वो बोल पहले उसकी फरियाद शाम होती है ना तो रोने लग जाते हैं क्यों सर वो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता है मेरे मर्ज मेरे को मर जाना है जी, जी मेरे शरीर में ऐसे अग्नि होती है ऐसा बोलता है खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है चलने बैठने उठने में भी कोई दिक्कत नहीं है बस ये और नींद अच्छी नहीं आती जी उसकी वजह से यह सब हो रहा है नींद नहीं आती है तो क्या मतलब अकेलापन है क्या या कोई स्ट्रेस है है चिंता बच्चे है उनके भी बच्चे हैं पूरा परिवार है पंद्रह बीस आदमी का तो क्या प्रॉब्लम है सर हेतु क्या है मतलब क्यों नींद नहीं आती है क्यों चिंता है क्यों डिप्रेशन है ऐसा रखता है उम्र की वजह से होगा मेरे तो आपने क्या दिया सर नहीं अभी तो कुछ दिया ही नहीं है आप दीजिए ना सर मानस मित्र पूछने वाला था थे, तो, जब मैंने पूछने वाला था ना तब तो, तो इसलिए जी सर, जी सर। इसमें मानस मित्र कुटी का बहुत अच्छा काम करेगा सर और ये अपने जो मेध्य दवाइयां है जैसे कि ब्राह्मी वटी है फिर स्मृति सागर रस है ज्योतिषमती तेल है उसका नस्य वचा तेल है उसका नस्य

सबसे ये देखना कि उसकी एक्टिविटी कुछ कराइए जिसकी वजह से उसका रक्त और रस का प्रसादन जो है वो ऑटोमेटिकली इस जोन में हो जाए प्राणायाम वगैरह वो करे कि नहीं करे लेकिन थोड़ा घूम के आना दिन में दो बार जो भी ये परिचर्या करना तो जिसकी वजह से उसका जो ये है कल और दूसरा उनका मतलब क्या है रूटीन उस रूटीन में उनकी वातावरण की जो पॉजिटिव वातावरण की निर्मित का काम है सारे दिन हाँ जी तो सर यही है ना कि वो बैठने का काम कर रहा है जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर का जो भी है तमस गुण जो है तमंगुन की वृद्धि ज्यादा हो जाती है उसमें उसको इंसोमिया है तो राजसिक गुण बढ़ता होगा इन दोनों के द्वंद में जो है वो या तो रोता होगा या फिर गुस्सा करता होगा या फिर खुद को ये करता होगा तो सभी को गाली गाली देने लग जाते हैं गुस्सा करने शारीरिक मैंने जैसे बताया वैसे मानसिक गुण पे प्रधानता से चिकित्सा अगर की जाए तो हर मानस अवस्था से इंसान बाहर निकल सकता है यहाँ पे आपका राजसिक गुण कम करके तामसिक गुण जो भी है उनका जिस वजह से बढ़ रहा है उन चीजों को आप हटा देंगे तो बहुत अच्छी लेकिन उसके पीछे लगना चाहिए बीस इक्कीस दिन तक पूरा पीछे लग के घर वालों को उनका रूटीन बदलना उनको उठा के बाहर लेके जाना खुद घुमाना उनको भगवान का मंदिर है या फिर कोई सीनियर सिटीजन का क्लब है वहां पे करना जब वो पूरी तरह से विषयों का ग्रहण अच्छी तरह से ब्रेन फिर से करने लगेगा फिर से सप्लाई होगा फिर से सारे जो भी ट्रैक है उनमें से मोटर और सेंसेशन ये सारे जो भी न्यूरो काम होता है सर वही हम जिसको बोलते हैं वातिक चिकित्सा और नशे बहुत बेहतरीन काम करता है इसके साथ में सर ने जो बताया उसमें से कोई भी दो तीन अच्छे द्रव्य सारस्वत मानस मित्र और ये सारी चीजें देखी लेकिन नशे जरूर करिएगा ताकि वो लाए थे ना पंचामृत लो गूगुल हरिहर सर वो दीजिए ना कितना बढ़िया काम करता है वो माइंड पे सर वो तो करता है जी सर वो आपकी मैडम में भी काम किया ना सर आ, वो उसने तो नहीं लिया ना वो तो दूसरी दवाई लेती है ना मानस मित्र बस ये स्मृति सागर रास और ये ब्राह्मी वटी जी ये सब ले रही हैं हाँ, प्रज्ञा मैम जी जो है वो मैं वही बताना चाहती हूँ कि सर ने अच्छा परिचय दिया है कि मैंने बहुत जगह पे प्रैक्टिस किया हुआ है भारत के बाहर भी किया हुआ है तो बहुत सारे केसेस मैंने हमारे भारत के बाहर तो साइकोलॉजिकल केसेस बहुत ज्यादा है अभी ये जो पेशेंट है उनका एज क्या है सर आप बता सकते हैं एसी, एसी. एसी है है हाँ. तो आ, क्या होता है? देखो मानस रोग अभी मैंने जी किया है साइकोलॉजी किया है सॉरी क्लिनिकल साइकोलॉजी तो उसमें आयुर्वेद का और इसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या दिखाई देता है कि जेरेटिक जो है कि जैसे एज हो जाता है बहुत ज्यादा तो उसमें वात का प्रभुत्व बहुत ज्यादा होता है ओल्ड एज में वायु उदान वायु का प्राण वायु का और अपान वायु का जो समतोल है वो सही नहीं होता है तो इसमें मैंने जो चिकित्सा की है ना तो इसमें आकाश स्रोत जो है वो आकाश महाभूत का प्राधान्य होता है उसमें आकाश और वायु का तो आकाश महाभूत को अगर आपको सेटल करना है स्थिर करना है तो पृथ्वी गुण बढ़ाना पड़ता है शरीर में और अगर पृथ्वी गुण बढ़ाना है तो स्नेह के साथ सुवर्ण माक्षिक कल महाकल्याण ग्रुत के साथ सुवर्ण माक्षिक उनको मुहुर्मुह चाटन जो है दिन में सात से आठ बार ये करने के लिए बोलो तो इनके जो इनके पेशेंट्स के जो हाइपर एक्टिविटी होती है ना जो आपने बोला कि कभी भी रोने लगते हैं कभी भी गालियां देने लगते हैं ये चीज बहुत कंट्रोल में आ जाएगी जब उनका पृथ्वी गुण हम स्टेबल करेंगे तो अपने आप आकाश गुण जो है वो वाइज होता है जो बहुत बड़ा हो जाता है ना जिसके कारण ये सारे सिम्टम्स आने लगते साइंस के हिसाब से जो डोज देती हूँ ना जो अपना सुई का टोक होता है उस, उसका जो मात्रा है वो उतनी मात्रा में चाटन देती हूँ अगर आप उसको अनंत मूल के साथ या ब्राह्मी जटामांसी और खुरासनी ओवा जो है खुरासनी ओवा को अभी हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता मैं खुरासनी अजवाइन बोलते हैं बराबर हाँ खुरासनी अजवाइन करेक्ट तो खुरासनी हाँ। अजवाइन ब्राह्मी जटामांसी और अनंत मूल ये चारों का कॉम्बिनेशन में मैं स्वर्ण माक्षिक डालती हूँ और उसका चार्टन फिर मैं महाकल्याणा ग्रुप के साथ या कल्याण ग्रुप के साथ मोर मोह देती हूँ पेशन को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर स्वर्ण मार्क्सिक जो है वो पृथ्वी गुण को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करता है इवन मुझे गायनाक में भी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दूसरी बात पेशेंट का थायराइड टेस्ट करवाओ सर बहुत बार ये सिम्टम्स जो है ना वो थायराइड में भी मिलते हैं मन जो है वो जहाँ पे पैरासिपेटिक और सिंपेटिक स्टिमुलेशन का हम अगर ध्यान रखें तो जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होता है वो बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि उनका जो लाइफ जर्नी रहा है अब तक का उसमें उन्होंने क्या थॉट प्रोसेस किया है कितना ओवर किया है उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि उनके एंडोक्राइनल सिस्टम जो है वो कैसे फंक्शन करेगी अगर उनका हाइपर मूवमेंट uh, है हाइपर थॉट प्रोसेस है हाइपर एक्टिविटीज है तो आपको सिंपैथेटिक को पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को स्टेबलाइज करना पड़ता है उसमें रेशो प्राणायाम जो है इनहेल विथ वन एस टू टू रेशो इनहेल एंड एक्सहेल एस टू वन वन एस टू टू रेशो से उनको अगर आप बताएंगे बैठे हैं ना वो तो बैठे बैठे क्या करना है चार काउंट तक या काउंट तक सांस लेनी है और उसके डबल काउंट तक सांस छोड़नी है जब ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इसका सीधा जो रिलेशन है वो तुम्हारे स्टिमुलेशन पे आता है स्टिमुलेशन जो स्टिमुलेट हुआ होता है स्ट्रेस हॉर्मोन्स जो है वो डोपामाइन्स वेजोप्रेसिन और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो सिक्रीशंस को कम करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है तो ये दो चीजें करिए Uh, मैं साइकोलॉजी में जब भी काउंसलिंग करती हूँ तो मैं प्राणायाम के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ कि मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि ये करो तो ही आपका हाइपर स्टिमुलेंट जो है वो एक्टिव होते हैं वो बंद हो जाते हैं कम हो जाते हैं बंद नहीं होते कम होते हैं ना वो तो सही बात है तो कल्याण गृत महाकल्याण गृत और स्वर्ण माक्षिक वो दूसरा आपने चार द्रव्य बताया स्वर्ण माक्षिक आप अनंत मूल ब्राह्मी जटामांसी और खुरासनी अजवाइन के कॉम्बिनेशन में ब्राह्मी जटामांसी खुरासनी अजवाइन और अनंत मूल सेम सम भाव रखी मात्रा रखिए और उसमें आप स्वर्ण माक्षिक ऐड करिए सर जो नींद के लिए भी अच्छी है नींद अनिद्रा और ये जो चीज है ना सर उसमें भी अभी यही पैथोलॉजी आती है कि जब बुद्धि का वेग मन का वेग शरीर के वेग से जब ज्यादा जा, होता है तो अनिद्रा आ, का संप्राप्ति बनता है तो इसमें भी अगेन आकाश महाभूत वायु का गुण है तो उसमें पृथ्वी गुण हमें स्टेबल करना पड़ता है जब आप पृथ्वी गुण गुण बहुत अच्छा बढ़ाएंगे पेशेंट के अंदर इवन आहार में भी डाइट में भी उनको बोलो कि सूखा ना खाए जिसमें उनका हेवी मधुर रस का सेवन अगर वो डायबिटिक नहीं है तो उनको मधुर रस का सेवन कराइए ताकि उनका पृथ्वी गुण बहुत अच्छे से बढ़े ये मैम किस किस डोज में लेना अनंत मूल मैम मैं वन ग्राम पर डे डोज देती हूँ अभी मुहुर मुह अगर देना है उनको चाटन देना है आपको तो पांच ग्राम पर डे के हिसाब से बना के उनको एक एक उंगली चाटन पूरे दिन में सात से आठ बार देना है

हाँ जी मैम एक्चुअली पेशेंट को ना एक्चुअली उसका ही ये हिस्ट्री था कि आ, उसकी मदर थी तो उनके मदर और फादर का डिवोर्स हो गया तो मदर के पास थी पेशेंट और आ, वो मतलब अच्छे से उसकी मदर रख नहीं पाई उसको तो सिम्टम तो क्या है पेशेंट के हाँ जी, जी मैम उसको क्या है उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं अच्छा रात भर सोती नहीं है पेरेंट्स इतने वरीड उसका जो अभी फादर के पास कस्टडी आई है पेशेंट ब्राजील में था तो अभी हाँ तो अभी आ, केस हुआ उसकी मदर और फादर का तो जो कस्टडी है वो फादर के पास आ गई और अभी क्या है वो बच्ची जो है ना उसको आ, इतना मतलब फोबिया हो गया हुआ अपनी मदर के साथ कि उसको ये लगता है कि मैं अगर मर जाऊंगी दैट वुड बी बे बेटर फॉर मी कि आ, ये ये मतलब इ, दि, द, द, आ, मतलब दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर हर तो वो अभी क्या करते घर पे उन्होंने वो बोल रहे थे कि उन्होंने कोई नाइफ तक नहीं रखा हुआ है तो अगर वो घर से बाहर भी जाते हैं तो इसके लिए एक अलग से तो मतलब केयर टेकर रखा हुआ है कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है जिस दिन उसको लगा कि कोई घर पे नहीं है तो ये मतलब बार बार अटेम्प्ट हो रहा है तो उसके लिए मैम हम, हम, हम क्या फिर वो ये चीजें दे सकते हैं क्या तो मैम मन के ऊपर ही काम करना है उनके आघात मन के ऊपर आघात बहुत ज्यादा हुए हुए हैं और इमोशंस जो होता है ना हमारा थॉट इमोशंस वो आता है हमारे उदान वायु के अंदर मोस्टली तो अः आप उनको सबसे पहले तो चिकित्सा उनकी मन, मानसिक चिकित्सा सांत्व काउंसिलिंग से करिए उनको पॉजिटिविटी अप्रोच अफर्मेशन जिसे हम कहते हैं कि रोज, रोज 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 आप आपके अः ट्रांसमीटर्स जो न्यूरॉन पास जो होते हैं वो पाथ डेली बनाना पड़ता है पेशेंट को जब भी पेशेंट बहुत नेगेटिव होती है किसी ट्रेजिडिक एटमोसफियर uh, से उनका अपब्रिंगिंग अगर हुआ है तो पेशेंट को आपको रोज 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 मेडिटेशन और हीलिंग बताना पड़ता है कि आप रोज पेशेंट को बोलो कि रोज आपके मन को आप ये बताओ कि आपका मन सही है हेल्दी है आपका शरीर बहुत हेल्दी है जब भी आप कोई थॉट डेली जनरेट करते हो तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके टिश्यूज के पास सेल्स के पास वही मैसेन्जर पास ऑन करते हैं और देन आपका वैसे ही डेवलपमेंट होता है अभी रही बात मेडिसिन की तो आप मेडिसिन में मनोव चिकित्सा में जितने भी आए हैं अभी उनका क्षीण प्रकृति तो उनको ब्रूहन चिकित्सा ही लगेगी तो ब्रूहण चिकित्सा में महाकल्याण है सारस्वत है अरिष्ट कल्प बहुत सोच समझ के दीजिए थोड़ा क्षीणता है तो उसको आप उसका अनुपान या उसका जो काल है वो देखिए उसके साथ आप महाकल्याणत आप बहुत अच्छा काम करता है मनोव स्त्रोत महाभृंग्र राजा मतलब जीवनी जो मैं यूज करती हूँ वो भी अः राजसिक और तामसिक गुण के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है सत्व गुण उनका बढ़ाना है तो सात्विक आहार मिलाना पड़ेगा आहार उनका डेली जीवन शैली व्यवहार उनका आपका काउंसिलिंग मिनसांत्वन और दवाई ये चारों के ऊपर जब आप काम करेगी ना तब पेशेंट ये चीज से बाहर निकलेगी जी मैम थैंक यू मैम और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं बता सकते हैं तो ये सुसाइडल थॉट्स में ना ये पित्तज विरेचन लगेगा ग्रहणी और मज्जा एक साथ जुड़े रहते हैं तो ये यहाँ पे करना चाहते हैं ये पित्तज विचार है इसको विरेचन सही होगा तब ये लेट आउट होगा थॉट्स ऐसे थॉट्स अकेला नस्या उससे इतनी जल्दी आउट नहीं होती हाँ हाँ ये भी बात सर ने बहुत अच्छा बोला है ये आ, मैं भी भूल गई बताना पित्त अगर है आपको अगर सिम्टम्स वैसे दिख रहे हैं ना मैडम आप आइडेंटिफाई करो एक्चुअली पेशेंट सामने होता है ना तो वो ज्यादा हमें आ, दिखाई देता है कि लक्षण किस तरफ है पित्त के तरफ ज्यादा है वात की तरफ ज्यादा है या वात प्रधान पित्त है या पित्त प्रधान वात है अगर ऐसा है ना तो एंगर ज्यादा है ना हाँ तो, तो पित्त का पहले विरेचन वी हाँ, हाँ, हाँ. हाँ पित्त का पहले विरेचन कीजिए सुख विरेचन भी कर सकते हैं आप और उसके बाद फिर आप वात और ब्रूहण ये दोनों पे काम कीजिए मैम स्नेह के साथ जी जी मैम थैंक यू एग्जाम रिलेटेड जो होती है डिप्रेशन उसमें क्या कर सकते हैं एग्जाम रिलेटेड डिप्रेशन जो है ना वो हाँ. हाँ वो कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में आता है बाद में वो भी हो जाता है. तो उसे हम एंगटी नहीं कह सकते हम जब अम के पैरामीटर्स मार्क करते हैं हेमिल्टन स्केल मार्कर्स होते हैं उसमें जब हम एंग्जाइटी के पैरामीटर्स मार्क करते हैं तो ये स्ट्रेस रिलेटेड या टेम्पररी एंग्जाइटी जैसे कि लेट पहुंच रहे बस निकल गई है क्लिनिक जल्दी पहुंचना है पेशेंट्स आके बैठे है स्टूडेंट को एग्जाम पेपर के उसका कोई इतना हार्मफुल नहीं होता है बस उनको बोलना है कि उसके लिए आ, बेसिक सारस्वता रिष्ट है वो भी अच्छा काम करता है मनो मित्रवटकम जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है संशमनी वट्टी भी बहुत अच्छा काम करती है इसमें अः मैं तो पेशेंट को अगर बच्चा है मीन किड है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं देती हूँ ब्राह्मी और ये मनोमित्र और अपना जो सारस्वता रिश्ते है ये भी दे के आप बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते हो और काउंसिलिंग तो बच्चे को ये बोलो कि स्ट्रेस ना ने, स्ट्रेस होके उसको वैसे भी कुछ ज्यादा अचीव नहीं होने वाला है जितना वो शांत रहेगा उतना अच्छा पढ़ाई कर पाएगा और उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा तो ये समझाना बहुत जरूरी होता है बच्चों को बच्चे तो नहीं वो पीजी नीट दे रहे हैं अच्छा अच्छा ओके अच्छा अच्छा ओके पीजी ने पोस्ट ग्रेजुएशन तो फिर वही दवाई आप उनको वही बोलो कि उनकी जीवन शैली सुधारे और सुबह थोड़ा प्राणायाम करें ताकि वो पूरा दिन अच्छा रह, रह सके और दवाइयों में अगर टेम्पररी स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं अगर उसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं एग्जाम के बाद वैसे भी वो स्ट्रेस कम हो जाने वाला है तो इसीलिए आप उनका मन शांत रखने के लिए मनोमित्र वटकम मानस मित्र वटकम जो सर ने बोला है वो भी चालू कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। हाँ, वो है और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि किसी कितने सारे ने ड्रॉप ले लिया था स्ट्रेस की वजह से प्रिपरेशन भी अच्छी, अच्छी थी पर ड्रॉप लिया था इस वजह से ये लोग भी डर रहे कि लास्ट ईयर अच्छे अच्छे ने ड्रॉप लिया है तो हम क्या पढ़ पाएंगे दे पाएंगे अभी तो मेडिटेशन और ये सब तो स्टार्ट करवाया कि नहीं देना ही है ना क्यों नहीं दे हाँ तो वो डेली करना चाहिए रोज हाइपर हाँ एड्रेनल वो होता है मैम स्ट्रेस और टेम्पररी स्ट्रेस जो हमारा एचपीओ uh, एक्सेस होता है एमिग्लाडा करके जो पार्ट है ब्रेन का वो ट्रिगर होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशंस होते हैं जिसमें पेशेंट जो बच्चा है या कोई भी इंसान है वो पैनिक हो जाता है वो फिर उसको नेगेटिविटी आने लगती है कि नहीं मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा या मेरे से ये होगा ही नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मैं सब भूल गया ये सारी चीजें जो है ना वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही होती है उसको आप उसकी हाँ एग्जाम के अगले दिन वो कोई और, नहीं। 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 क्या ब, बोलते हैं डिप्रेशन की जो एलोपैथी मेडिसिन आती है ना वो उस टाइप की कोई मेडिसिन लेते हैं वो वो उसके लिए भी आज मैडम बिल्कुल नहीं नहीं लेनी है एग्जाम के अगले दिन वो ले लेते हैं फिर वो बोलते हैं कि वो सारा भार उतर जाता है तो हम लोग अच्छी तरह से एग्जाम दे सकते हैं मैंने कहा वो क्यों लेनी है आपको और स्ट्रेस के तो कितने सारे ले रहे हैं वो तो बंद करवाई उसमें दो ही है एक रेस्टिल काम करता है या फिर का माइल्ड डोज ट्वेंटी काजू है हाँ, वही था या वो ब्रांड लेके आया आजकल सिरोटोन बूस्टर जो है बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में जो कि बहुत माइनर डोज में बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट भी देते हैं पेशेंट को क्योंकि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियक सिम्टम्स होते जो कि हम

तो अभी इनको प्राणा कराओ उनका बारह घंटे में कम से कम एक घंटा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो इंसान खुद के साथ खुद ही के लिए हो ये मैं यूजली पेशेंट को कहती हूँ तभी आपका ये स्ट्रेस होता है वो टेक्ट कम कर पाते हैं आप तो हॉबी में से कोई या फिर उसके गेम्स में से कोई या फिर उसका म्यूजिक डांस जो भी उसका हाँ, है माइंड टू मिनट्स मिनट्स प्राणायाम उसके उसके साथ में 20 exercise, dance, activity, उसके साथ में 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 एक्सरसाइज इट इट डांस भी एनी एक्टिविटी और वो जिसको देख रहे हैं वो डिप्रेसिव बच्चों को देख रहे तो आपको उनको जो भी है कुछ अफॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स लोगों के लिए रहते हैं उनको लिख के देना है उनको सुनाना है और दूसरा चीज ये अगर करेंगे तो ये आगे चल के बीमारी में कन्वर्ट नहीं होगा नहीं तो ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स बाद में बढ़ते रहते हैं उनको इस पैनिक की वजह से आप उनकी तरफ ध्यान देते हैं आप उनका ओवर केयर करते हैं इस चीज का भी आदत बोलते हैं तो कोग्नेटिव स्ट्रेस और ये सारी चीजों को आगे बढ़ने ना देने के लिए उनके पीछे लग के से बातचीत करके कुछ भी नहीं होने वाला दे हैव टू योर मोशन शुड बी देयर इन टू योर बॉडी विच विल रिलीव द स्ट्रेसेस ऑन टू योर ब्लड सिस्टम इज कॉल्ड जो बोलते हैं ना स्थिराव जहाँ पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा तम की ताकत ज्यादा बढ़ चुकी है तो वहां पे आपको वाद का ही चिकित्सा करना पड़ता है बहुत अच्छा है कोई घृत इनके खान खान में ऐड कर दीजिए जिससे जो भी है वो अः बात का होगा ये देखिए कि, कि कहीं भी भी कॉन्स्टिपेशन हैबिट नहीं है और दूसरा चीज ट्वेंटी मिनट्स पसीना आने तक भागे एक्सरसाइज करे या खेले इसमें से कोई भी जो उनकी हॉबी है और ट्वेंटी मिनट्स के लिए जो वो फोर्टी मिनट्स जो भी है उन्होंने डिलीट कर देने उनके स्टडी के रूटीन से उसके बाद में उनको पूछना है कि अब कैसा लग रहा है See करें और इसको प्रॉब्लम समझे आप वो प्रॉब्लम को फोकस करने की बजाय सोल्यूशन एंड सी देंजेस बाकी तो मानस मित्रों और बाकी का चीज बताई है सर ने लेकिन अलॉन्ग विदिशंस आप इस चीज को चेंज करके देखिए जो भी आपके पूरे हार्मोन्स का लेवल है वो लेकिन वो पीछे लग के करवा के लेना यू गेट एनवॉल्व चलो बिल्ली टाइम नहीं हो गया चलो आपको खेलना है या फिर आपको लेकिन पीछे लग के करा खेलो के ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे धीरे जो भी है जरा रफ राफर, जरा रिफॉर्मेशंस पर पॉजिटिव थिंकिंग्स और ये बहुत काम करते हैं बहुत कारगर होते हैं ठीक है और कोई केस पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो पूछिए बताइए प्लीज प्रणाम सर हाँ सर बताइए सर सर एक केस पूछना था सर मुझे सर आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है अभी गुजरात हाँ ठीक चल रहा है सर अभी गुजरात में सूरत में ना आप सर नहीं सर एमपी सर भोपाल एमपी अच्छा अच्छा आप तो गुजरात गए थे ना अच्छा ठीक है एमपी पी हाँ, जी सर हाँ हाँ बताइए सर आ, सर एक पेशेंट है सर ट्वेंटी सिक्स का सर? जी. आ, सर उसको सर उसको पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर ने सर डायग्नोस कहीं पे इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था सर डॉक्टर ने बताया कि इनको अल्सर और कोलाइटिस है जी सर उसको हिस्ट्री लेने में से पता चला कि सर वो लगभग चार पांच साल से पूरा हेतु सेवन सर बहुत ज्यादा कर रहे हैं बाहर का खाना पीना पूरा जी <laughs> और सर ट्रेवलिंग का काम भी ज्यादा है कहीं पर भी रुकना होटल में होता है तो वहीं पे कुछ खाना पीना होता है तो सर कहीं घूमने फिरने गए थे सर उनको वहां पर लूज मोशन लगे थे तो सर टाइट फाइट वगैरह भी हुआ था उनको जी। उसके बाद से सर इंटेस्टॉल में सर कुछ इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ है इनको तो डॉक्टर ने सर इनको अल्सोलाट्रिस्ट बताया है जी तो क्या सिम्टम में क्या ब्लड आता है मोशन बार बार होता है क्या होता है सर ब्लड सर नहीं सर मोशन नहीं हो रहा है सर पेट में दर्द होता है बोलते हैं पैसेंट की मरोड़ होता है और सर जाने की उनकी इच्छा होती है लेकिन जाते हैं तो स्टूल नहीं आती जी अर्जेंसी रहता है, है।, हाँ, है तो म्यूकस टाइप कुछ निकलता है क्या नहीं सर सिर्फ गैस पास होती है तो ये कोलाइटिस क्या है कैसे पता हाँ, कोलोनोस्कोपी में सर आया नहीं लेकिन डॉक्टर ने ये बताया कि लेकिन सर वैसे लक्षण कुछ नहीं मिले उसमें नागी और नागी उनका स्टूल अर... होता कैसे? लिक्विड होता है सॉलिड होता है सर आपकी आम पाचक बट्टी भी दिया और, सर, कुछ तक्रीजे सर तक तक्र से तक्र दिया, दिया था मैंने उनको तो सर उनको भूख भी अच्छा लगने लग गया है पेट भी साफ हो रहा है सर कुछ नहीं है जी सर जब में नहीं दिख रहा है तो कहां से आ गया

जी और इसमें लक्ष्मी नदीवट्टी भी अच्छा करेगा वायु का अनुलोमन होगा ना लक्ष्मी नदीवट्टी से दीपन पाचन में होगा वायु का अनुलोमन होगा तो ये प्रेशर का जो है प्रॉब्लम वो ठीक और माइंड पे भी काम करिए माइंड शांत रहना चाहिए इसलिए स्मृति सागरस मानस में त्रिकुट गज केसरी कुछ मन पे भी काम करिए उनको बोलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है आपको बिल्कुल नहीं है रॉन्ग डायग्नोसिस है तो सर कुछ और ऐड करना सर इसमें वो बार -बार पेट दर्द का है और नहीं तो अभ्यारिश रात को दे दीजिए या फिर एरण तेल में सुंठी डाल के गर्म पानी के साथ रात को दीजिए पेट साफ होगा वायु अनुलोमित होगा तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा या त्रिवित हम दे दीजिए रोज गर्म पानी के साथ एक दो दिन दीजिए पेट साफ होगा एकदम ठीक जी सर थैंक यू सर इसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए मैंने जो बताया उसके अलावा लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है इनको रॉन्ग डायग्नोसिस है हाँ सर वो कोलोनोस्कोपी में डॉक्टर ने रिपोर्ट में सर सिर्फ थोड़ा सा आ, बता दिया उनको कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है ऐसा कुछ दिखाने लक्षण भी कुछ नहीं है अभी त्रिवेदी सर कुछ बताएंगे सर बताइए सर, बताएं सर जी सर मैं इसमें ये समझना चाहता था ये पक्षों बातज ग्रहणी मुझे लग रहा है बाकी आप बताइए जी जी ये इन्होंने बताया कि उसे बार बार जाना पड़ता है और हर बार जाने में उसको पीड़ा होती है लेकिन होता नहीं है लेकिन उसे मरोड़ आती है जी सर बातानुबंध से जो बद्ध है ये कहा ना पक्वम व सरुजम पुती मोहरबद्ध इस तरीके से श्लोक है ग्रोणी इस आयुर्वेद से एक श्लोक है जिसमें पीड़ा के साथ ही होना यह ग्रहणी रोग तो है ये तो निश्चित है भस्म अगर आपको किसी में मिलती है सोमनाथी उसके साथ त्रिकटु बिल और शंख अगर भस्म सोमनाथी मिल रही है तो वो पच्चीस मिलीग्राम त्रिकटु एक मिलीग्राम बिलवादी करीब डेढ़ ग्राम और भस्म करीब 300 से 400 सौ ये मिला कर दे सकते हैं इसके अलावा एक कायाकल्प चूर्ण हम उसे ग्रही कल्प बोलते हैं जिसमें सौंफ सौंठ, काली मिर्च पीपल छोटी हरड़ बेल और राल संभाग है इस चूर्ण को सुबह शाम दे सकते हैं जी सर बाकी मेरे अपने अनुभव में स्वर्ण वसंत मालती का भी इसमें बड़ा अच्छा अनुभव मिला है अब वो किसके साथ देते हैं आप अभ्रक वसम से तो पिला दी वो थोड़ा सा सिमटमेटिक हो जाता है वो आप दे सकते हैं ग्रहणी की कला को ताकत देगा स्वर्ण मालिनी वसंत बत... यस 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 वो ग्रहणी के लिए बड़ी उनको अच्छा कर देगा जी बिल्कुल सब जी सही बताया विजय परपटी और धनवंतरी ग्रिते बड़ा अच्छा काम करते हैं सर ग्रहणी में जी अब मतलब का भी अच्छा काम होता है ना तो उसने ये बताइए ना कौन सा दाढ़ी माधिक दे रहे हैं और क्या दे सकते हैं चांगे आदि चांगे आदि हाँ चांगे आदि भी दे सकते हैं दाढ़ी माधी इजीली अवेलेबल हो जाता है जी मैम हो जाएंगे ठीक आप चिंता मत करिए सर आप बोलिए मैंने अल्टरनेटिव कोलेटिस ठीक किया है अपने मेथड से ऐसे बोलिए सर आपका मार्गदर्शन वगैरह मिलता रहे है तो सर जल्दी हो जाएगा सर उनका अग्नि बढ़ा है ना हाँ, तो लगता है सर जी हाँ, तो अग्नि बढ़ गया बस वायु को ठीक करना है आपको कराना है स्नेहन कराना है बस हो जाएगा जी सर और ये सर ने जो बताया सब लोगों ने जो बताया वो नोट डाउन करिए वो सब काम आता है कभी ना कभी जी सर, सर। नोट डाउन कर रहा करना सर मेरी भी एक ऐसी पेशेंट है जिनको हम रोटी स्टार्ट नहीं कर सकते है दाल चावल पे कुछ तकलीफ नहीं होती तीन महीने से रोटी चालू करते हैं तो पेट भारी रहता है और दर्द रहता है वो बोलेंगे एलोपैथिक डॉक्टर की एलर्जी है ग्लूटेन एलर्जी ये एलर्जी हाँ असल में ग्रहण ही तो दुष्ट ही रहता है मैम इसमें आपको तक्र देना पड़ेगा परपटी कल्प देना पड़ेगा आसवरिश देना पड़ेगा और ओके दीपन पाचन बच्चा तो पंचम उत्तर तो दिया था वापस देती हूँ और तक्र पे रखिए पेशेंट को बोले पूरा दिन भर दो तीन लीटर तक्र पी के रहो छाछ हाँ वही तो बोला है हाँ और एक दो दिन नहीं खाना खाएंगे तो क्या होगा अपने महीने तीन से नहीं ले रही है सर तो चालू करते दिन ना पहले अग्नि अच्छा होने दीजिए पहले अग्नि अच्छा होगा ग्रहणी कला अच्छा होगा फिर रोटी स्टार्ट करिए एकदम नहीं करना रोटी भी स्टार्ट करना है तो वन फोर्थ पहले करें वन एट्थ करें फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है ठीक है हाँ बोलिए प्रीति मैम वैशाली मैम कुछ लिया अगर... आप जी सर अगर ऐसे ही किसी पेशेंट में सेम प्रॉब्लम है उसको सर लॉन्ग टाइम से उसने सनाय का सेवन किया है पेट साफ करने के लिए अभी उसको सर मोशन में बहुत म्यूकस आता है और पेट क्लियर नहीं होता जब तक वो सनाय आ, तो प्रवाही का न करते हैं संगीतम सर

पूरा ड्राई हो गया पूरा रेक्टम और वो सिग्मोइड कोलोन और सब तो वहां पे हमें घी दे देके दे देके दे दे जैसे हम ऊपर से घी पिलाते वैसे नीचे से घी पिलाइए वो घी से पूरा सॉफ्ट हो जाएगा तो बॉडी फिर म्यूकस के प्रोड्यूस करेगा अपने आप अप घी से स्नेहन हो रहा है तो ट्वेंटी वन डेज करिए फिर देखिए क्या रिजल्ट है ओके सर।, सर सर इसमें पेट क्लियर करने के लिए सर क्या दे फिर घी से होगा मैम घी से अपने आप हो जाएगा हमें तो नॉर्मल करना है उनको कोई दवाई नहीं देना है पेट साफ करने का अपने आप अप हो जाएगा जी वहां पे स्नेहन नहीं है इसीलिए वो है, वो सूखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पा वहां पे मतलब मल निस्सरण क्रिया नहीं हो पा रहा है इसलिए स्नेह इस देना है वहां पे उनको कोई तो लेक्सेटिव नहीं देना, देना है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने निरूह वस्ती अकेले करके भी छोड़ दिया था उनको सिर्फ निरूह करके तो मुझे लगता है कहीं वहां से भी बात की दृष्टि हुई कि सिर्फ निरू आ, अकेले करके छोड़ दिया आ, एक अनुवासन भी देना चाहिए था इस वजह से सर मैंने हमारा की... जो मैंने फर्स्ट डे जब ज्वाइन किया था तो मैंने एक फाइमोसिस वाले एक पेशेंट का जिक्र किया था सर डायबिटीज में पहले दे जी। तो मैंने सर मेडिसिन उसको दिए आपने आप लोगों के बताए हुए और आज सर सिक्स डे है जब उसने मेडिसिन लिया है उसकी तीन सौ से सर शुगर आ गई है वाह वेरी वेरी गुड गुड कितना अच्छा आपने किया क्या क्या, क्या क्या दिया था मैं क्या, क्या क्या दिया था सर एक तो वसंत कुमाकर सुबह खाली पेट में सर मधु के साथ दिया है एक टेबलेट और सर उनको योग में सर गुड़ मार दिया है और साथ में सर एक पंचकोल चूर्ण दिया है अग्नि बढ़ाने के लिए इसका कॉम्बिनेशन और सर एक आरोग्य में चंद्रप्रभा और बाकी वॉक वगैरह करने के लिए और थोड़ा सा बस वॉक बढ़ा दिया और छह दिन में सर इतना रिलीफ मिला जी बहुत बढ़िया आप ऐसे ही मैम आगे तरक्की करते रहिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर थैंक यू सर बस आपका हाथ बना रहे आप लोगों का अभी त्रिवेदी सर कुछ बोलना चाहते हैं ये सर आप मट्ठे के कल्प का जो बता रहे थे ना गृहणी वालों को हाँ जी उसमें ना यथा स्वर्णाम अमृतम हिताय तथा नराणाम भुव तक जैसे देवताओं को अमृत सुलभ है उसी तरीके से पृथ्वी पर नरों को तक्र सुलभ है अमृत के समान जी 2002 में हमने एक कल्प किया था एस्केरिस स्लिम्बियोसाइडिस की वजह से जिसे ग्रहणी थी काफी गंभीर मरीज लाया गया साथ में बहुत संक्षिप्त सी औषध चिकित्सा उसकी की गई थी सिर्फ मट्ठे के कल्प पे रखा 500 मिलीग्राम से शुरुआत की थी गाय के मट्ठे से और उसे काफी आगे तक ले गए तेरहवें दिन जाकर उसकी मल शुद्धि हुई तेरह दिन तक उसे जो पेन हुआ मैं डॉक्टर साहब के धैर्य के लिए कह रहा हूं अगर वो मट्ठे का कल्प कराते हैं तेरे दिन तक उसे बहुत सारा पेट में पेन हुआ गैस फॉर्मेशन हुई ने रात को सोता नहीं, सुबह दो सौ शिकायतें जब मोशन हुआ मतलब मोशन तो रोज होता था लेकिन उसके बाद जब उसके एस्कर निकलना शुरू हुए गंडूपथ क्रमी जिन्हें हम बोलते हैं वो निकलना शुरू हुए वो लेके आया और उस आदमी के पांच दिन में सत्य तरह निकले में से कौन सी एंडोस्कोपी कौन सा एग्जामिनेशन वो क्या क्या करा के नहीं लाया था उसके बाद बात तो तो दिया, तो दिया क्रिमिक ने क्या कृमि कुठार रस से कराई थी सर शुरू अच्छा। के पांच दिन ही कृमि कुठार रस से कराया था बहुत बढ़िया इसलिए तेरह दिन वो छटपटाते रहे कीड़े काटते तेरे दिन भी वो तेरे दिन उसको दुनिया भर की हमें लगता था ये होगा तेरेवे दिन एग्जैक्ट थर्टीन ऑफ द डे तेरेवे दिन जाके जब उसको दो कीड़े पेट में से निकले बहुत सारा शौच निकला बड़ी सारी आम निकली उसके बाद वो रिलैक्स्ड हो गया पेशेंट तेरे में दिन इतना विश्वास उसका बढ़ गया उसके बाद लगातार तीन दिन तक तीन या चार दिन तक सत्रह निकले उसके पेट में से कीड़े बाप रे क्या क्या अद्भुत काम करता है का कल्प जो बड़ा विश्वास लेकिन तो बीच में आत्मविश्वास जाता है सर तेरे दिन तक तेरे दिन तक जब पेशेंट शिकायतें लेकर आता है ना तो वो खुद को ही लगने लगता है यार कुछ और ही तो नहीं कर रहे हम इसके साथ तो मैं वो आत्मविश्वास के लिए कह रहा हूँ इस बात कैसे दिया था सर आवाज चलिए हेलो आप प्रश्न फिर से पूछिए सर वो मट्ठे का जो कल्प आपने दिया था वो सर क्या बढ़ती हुई मात्रा में फिर घटती हुई मात्रा में दिया था जैसे परपटी कल्प देते हैं पांच सौ एम तो बोला था जी त्रिवेदी सर आपके प्रश्न है जी, जी प्रत्येक दिन मट्ठे की मात्रा बढ़ानी पड़ती है रोगी के वय रोगी की अवस्था रोगी का बल रोगी का अग्नि बल उसके तरीके से तय करते हैं लेकिन फिर भी 400 से 500 सौ की पहली डोज होती है और हम उसमें एक छठा यानी करीब 60 से 70 सिक्स mm रोज बढ़ाते हैं ये डिपेंड करता करता है वेरी करता है वेरी पर्सन टू पर्सन लेकिन इसे रोग बढ़ाते जाते हैं और 14 दिन तक ले जाते हैं जी तो इससे बड़े अच्छे रिजल्ट रे, आते हैं लेकिन किसी किसी को एक पेशेंट को ये भी दिक्कत रही थी और धैर्य हमारा भी कि जब छूटने लगा तब तक, तक वो रिजल्ट मिलना शुरू हो गई और कमाल की बात है उस दिन दुर्गा अष्टमी का दिन था जिस दिन सफलता मिली ये ये कोइंसिडेंस जी सर ये जो मठा है ये आप मॉर्निंग में सिर्फ एक बार खाली पेट उसका पूरे दिन मठा नहीं देना या फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको देना है नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन एक साथ नहीं देना जी थोड़ा थोड़ा करके चार से पांच डोज में दिया जाता है जी और बाकी सर कुछ भी नहीं निराहार नहीं बिल्कुल निराहार सिर्फ मट्टा और औषध जी सर इसमें मट्टे में कुछ त्रिकटू वगैरह भी कुछ मिलाते हैं या फिर प्लेन शुरू में शुरू में दिया था शुरू में दिया था उसके बाद नहीं दिया सिर्फ मट्टा और हमारे पास जो गायें हैं वो साहिवाल मट्टे का था साहिवाल गाय का मट्टा था साहिवाल ब्रीड की गाय थी जी सर जी तो सर रमी कोठारा कितने दिन चलना है दही में पांच गुना पानी मिला कर के मठा वो वो भी यूज कर सकते हैं ना सर जी डाल सकते हैं हाँ सर क्रमिक उठा रस का कितना डोज दिए थे त्रिवेदी जी? सर जी दो गोली सुबह दो गोली शाम लेकिन उसे तो पाउडर फॉर्म में बना के टेबलेट के फॉर्म में नहीं देते उसे जी उसे उसे जो हम देते थे वो पाउडर फॉर्म में बना के जिससे तत्काल इफेक्ट आए उसे जी जी टेबलेट फॉर्म में दे लगती थी क्या हनी से देते हैं या सिंपल वही मट्ठे से ही पानी के साथ पानी के अच्छा। साथ उसे दिया था बड़ंगा सब के साथ अच्छा अच्छा जी जी ये कितने उसमें ना, दिन तक चली थी सात दिन तक शुरू के साथ देने एक हफ्ते उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो कपूर इसमें योगवाही है कमी कुठार में उसके अलावा इंद्र इंद्रजॉयत्र है, है, है। माने अजमुोदय बिडंगे सिंगरफ बचनागे नागकेशर नागकेशर साथ में देने से ग्रहणी में बड़ा सारा लाभ होता है कमी कुठार को साथ देने से फिर उसमें जो भावनाएं लगाई जाती हैं मूसा करणी की मंडुक परणी की पलाश बीज चूर्ण की उसका क्वाथ बनाकर तो वो अपने आप में एक बड़ी अनुपम द्रव्य बन जाता है जी रेचक भी है और शोधन भी करता है रेचन के लिए हम तीन भावना सत्यानासी की लगाते थे उसमें लगाते हैं जो रेचन के लिए तो बहुत अच्छा रेचन का काम करता है वो और उसके साथ बडंगा सबके साथ देते थे okay. लेकिन उससे इतना उपद्रव हुआ उसके पेट में हम सिर्फ एक ही काम करते थे सिर्फ एरंट तेल का एनिमा नहीं बीस से पच्चीस से पचास एम तक जितनी आवश्यकता लगती थी उस एरंड तेल को सिरिंज के साथ उसके बड़ी आत्मा रेक्टम में पहुंचाते थे okay. ऑल्टरनेटिव डेज में फिर भी बात नहीं बन रही थी ठीक ठीक ये मट्ठे के कल्प से ही बात बनी तेरहवें दिन वो बड़े खुश हुए पेशेंट वो हमने एडमिट कर रखे थे और क्या पूरा दिन केवल मट्ठे पे रहने की कुछ खा भी सकते हैं? पूरे दिन कुछ भी नहीं खिलाना सर मतलब तो आम का पचन आप, जी। आप उसकी ओजो वृद्धि देखिए पेशेंट की जी सर इंडिकेशन आप प्लीज बताएंगे आपने जो ये चिकित्सा बोली है ये पेशेंट का इंडिकेशन क्या होना चाहिए तब ये कर सकते हैं जो अभी ने है। अभी डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब ने ने बताया बताया जो विकार exactly वही इंडिकेशन है जो सर बता रहे हैं पाठक सर जो बता रहे हैं वही इंडिकेशन सर तो ग्रहणी डायग्नोस हमने किया है बट उसके साथ साथ अगर पेशेंट को बाकी के अगर सिम्टम्स है जैसे कि अगर पेशेंट डायबिटिक है पेशेंट इज ऑन इंसुलिन और मेडिकेशन ऑफ़ डायबिटीज या फिर हेलो यस अगर पेशेंट uh, मधुमेह के लिए भी अगर कोई दवाई ले रहा है हाँ। तो उसको पेशेंट को अगर क्या हमें ये uh, इसी तरीके से करना है देखिए मेरा ऐसा अनुभव तो नहीं है कि किसी मधुमेह के रोगी को दिया गया हो लेकिन इस तरी, जिस तरीके से हम इसके बारे में सोच सकते हैं तो उसमें नुकसान की ऐसी कौन सी चीज है जो मधुमेह रोगी के साथ नहीं की जा सकती नहीं 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 सर अभी जैसे तो मधुमेह रोगी को आप खाना दे के फिर दे दीजिए ना उसमें क्या प्रॉब्लम है हाँ कर सकते हैं क्या वही मैं मेटफॉर्मिन और चल में खाना दे के भी ये तक्रपान करा सकते हैं क्या वही जरूर 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 ठीक हाँ हाँ, ठीक है थीक है फिर वही मैं पूछ रही ठीक है अभी टाइम हो गया है अभी हम ब्रेक लेते हैं आप सब लोगों को शायद मजा आया होगा आज का सेशन ऐसा लग रहा है कि बंदी ना हो सबको अच्छा लगा है तो अभी हम सबको थैंक यू बोलते हैं सभी को थैंक यू अब हम कल सुबह मिलेंगे थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को टाइम हो गया ठीक है प्रणाम जी सर प्रणाम जी सर प्रणाम